गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम चाप्टर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ द एग्जेक्टिव इन द ब्लैके इन द् ब्रैकेट्स मैंने कल आपको तीनों डिग्री सिखाई थी अब हमें सुटेबल फिलअप करना है वही सेम चीज़ है अगर सिंपल होगा किसी से कंपैरेटिव नहीं तो पॉजिटिव डिग्री आएगी अगर एक जने से कम्पेर कंपेरिजन होगा तो कंपेरेटिव डिग्री आएगी और अगर सबसे बेस्ट या दो से ज़्यादा लोगों से कंपेरिजन होगा तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी फर्स्ट दिल्ली इज डैश सिटी देन मुंबई कंपेयर हो रहा है दिल्ली का मुंबई से तो क्या आएगा कंपेरेटिव ई आर लग जाएगा हॉटर रेखा इज़ द डैश गर्ल इन द स्कूल मतलब रेखा का कंपैरिजन हो रहा है पूरे स्कूल से तो सुपरलेटिव डिग्री आएगा लेकिन यहाँ प्रिटी है मैंने पढ़ाया था जहाँ वाई आएगा वहाँ वाई की जगह आई ले लेगा और ई एस टी लगा देंगे तो प्रिटीएसट थर्ड सम इज डैश देन द फर्स्ट टी एच ए एन एन ऑब्वियसली कंपेरिजन हो रहा है एक से दूसरे का तो डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्टेस्ट तो नहीं हो सकता इसलिए मोर डिफ़िकल्ट मोहम्मद अली इज डैश देन माइक टाइसन अब इसमें मोहम्मद अली का माइक टाइसन से कंपैरिजन हो रहा है और टी एच ए एन बी है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉंगर द एलिफेंट इज डैश दैन द फेलो कंपेयर हो रहा है वही दो जनों का तो बिगर सिडनी इज द डैश सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया अब ये सारी सिटी से कंपेरिजन हो गया कि सिडनी सबसे है पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे लार्जेस्ट तो लार्ज का क्या हो जाएगा लार्जेस्ट वर्किंग जोन ए राइट द करेक्ट एग्जेक्टिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्लें इन द ब्रैकेट्स एंड द नाउन दे डिस्क्राइब मीन्स हमें जो फियर स्मॉल जो दिया हुआ है इसमें से चूज करना है कि कौन सा एग्जेक्टिव लगेगा प्लस ये एग्जेक्टिव कौन से नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है किसकी बारे में बता रहे हैं फर्स्ट अ लायन इज़ अ डैश एनिमल तो लायन इज़ अ फियर्स एनिमल लेकिन हम फियर्स किसके लिए बोल रहे हैं लायन के लिए तो नाउन क्या हो जाएगा लायन सेकेंड इन विंटर सीजन क्लॉथ शुड बी क्लॉथ कैसे होने चाहिए वाम विंटर सीजन में तो गर्म होने चाहिए लेकिन हम वाम किसकी क्वालिटी बता रहे हैं क्लोथ्स की तो क्लोथ हो जाएगा हमारा नाउन थर्ड दीज डिशेज हैव अ डैश फ्लेवर डिलिशियस फ्लेवर डिलिशियस किसके बारे में बता रहे हैं हम डिशेज तो डिशेज हो जाएगा नाउन द वेजिटेबल्स वी ईट शुड बी फ्रेश फ्रेश होनी चाहिए फ्रेश क्या होने चाहिए वेजिटेबल तो वेजिटेबल हो जाएगा नाउन द स्मेल ऑफ द रोज फ्लावर इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्या है रोज की खुशबू तो रोज हो जाएगा हमारा नाउन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एक्जैक्टली क्लॉथ वर ब्लोन अवे बाय अ डैश विंड तो रफ विफ क्या है विंड है तो so, विंड हो जाएगा नाउन वी वी आर डैश क्लोथ्स इन समर कौन से क्लोथ्स पहनते हैं कॉटन कॉटन क्या है लेकिन क्लोथ्स तो क्लोथ्स हो जाएगा नाउन एट्थ वाले में श्रिल एक्जेक्टिव है और चाइल्ड नाउन है राइट द एग्जेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड देयर काइंड्स ऑन द ब्लैंक हमें एग्जेक्टिव निकालना है पिक आउट करना है और उसका काइंड बताना है तो फर्स्ट में है टू बॉयज केम रनिंग फ्राम द हाउस टू एक्जेक्टिव है और एग्जेक्टिव ऑफ नंबर वॉट स्पॉट्स डू यू लाइक वॉट इसमें एक्जेक्टिव है और इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव है आई वॉन्ट सम मनी सम इसमें एग्जेक्टिव है और क्वान्टिटी एगजेक्टिव ऑफ क्वान्टी आर्या भट्ट वॉज द ग्रेट मैथमेटिशियन तो ग्रेट क्या है इसमें एगजेक्टिव है और एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी दैट पुअर मैन हैज फ्यू फ्रेंड्स तो दैट इसमें एग्जेक्टिव है और डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव राइट द कम्पेरेटिव सुपरलेटेड डिग्री फॉर द फॉलोइंग कुछ नहीं बहुत ईजी हैप्पी का हैप्पियर हैप्पीस्ट लेकिन वाई है तो आई आ जाएगा हैवी में भी वाई है तो आई आ जाएगा हैवी हैवियर हैवीएस्ट सिंपल सिंपलर सिंपलेस्ट जेंटल अब इसका जेंटलर नहीं हो सकता तो मोर जेंटल मोस्ट जेंटल ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट गुड बेटर बेस्ट मच मोर मोस्ट इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट Far, farther, farthest. Comfortable, more comfortable, most comfortable.